खबर सच के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि अभी हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि शहर में एक जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ है कि पिछले 3-4 दिन जो डंपिंग का इशू है हमारे शहर में, जो मित्तल ग्राउंड के बाहर डंपिंग यानी इल्लीगल तरीके से डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, जिससे मुख्य रास्ते पर कचरा होने की वजह से शहर में बीमारी फैल रही है, लोगों को आने जाने तकलीफ हो रही है। शहर का एक ही मेन रास्ता है, तो उसके संदर्भ में अभी हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे। हम काफ़ी पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे, उसके पीछे लेटर्स यानी हम सब तरफ विभागों में दे रहे, कोर्ट से हमने नोटिसें दी, हमने भूख हड़ताल रखी थी तो वहाँ पर हमको TMC ने उस वक्त भूख हड़ताल करने से रोका रमज़ान के महीने में, कहने आप मत करिए हम हटा देंगे। आज वो बात को भी 2 से 3 महीने हो चुके, और उसके बाद हमको अभी हमने जब कोर्ट से नोटिस दी तो हमको आज TMC लिख कर देती है कल कि वो हमने उनको नोटिस दे दिया कि वहाँ से जल्द हटाओ। तो यानी किसकी मनमानी से वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, उसके लिए हमने जो अभिषेक एंटरप्राइजेस करके जो कचरा विभाग की कंपनी है जिसको प्राइवेट किया गया, देखिए प्राइवेटाइजेशन एक लाना तो उसका सबूत है वो, कि जो प्राइवेट कंपनी के हो चलते वहाँ पर कचरा फेंका जा रहा, तो हम उसके लिए आए थे कि वो प्राइवेट कंपनी पे FIR दर्ज हो और उस पर यानी लीगल एक्शन हो मुमरा पुलिस द्वारा। हमको कहा कि आप लिखित निवेदन दे दीजिए हम लोगों को, हम FIR डायरेक्ट नहीं कर सकते हम उस पर, लेकिन लीगल एक्शन लेंगे। हम उनको अभी नोटिस सर्व कर रहे हैं कि आप वहाँ से हटाओ और हमको जवाब दो कि ये क्यों नहीं हट रहा है करके, नहीं तो हम आप पे FIR लेंगे। तो अभी उसको नोटिस दे रहे। अच्छा, ये जो कचरा जमा है काफ़ी दिनों से जमा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, तो आखिर किसकी लापरवाही है? देखिए प्रशासन की भी लापरवाही है, शहर के सत्ताधारी पार्टियों की लापरवाही है। आप जानते होंगे कि देश किस हालत से गुजर रहा है, कोरोना वायरस जैसी बीमारी अभी पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं हुई है। अभी आप हर रोज़ आप न्यूज़ के माध्यम से पता चलता होगा कि मंकी पॉक्स जैसी यानी बीमारी पूरे दुनिया में फैली जा रही है, यानी इंडिया भी यानी उसमें कुछ आंकड़े इंडिया में भी बढ़ते जा रहे डे बाई डे। मुंबई का यानी हाई अलर्ट दिया गया आज के न्यूज़पेपर्स में कि मंकी पॉक्स यानी बढ़ सकती है मुंबई में उस पर। और इस तरीके से जहाँ मुख्य रास्ते के बीच में जिसके आसपास स्कूलों के बच्चे जाते हैं, वहाँ से काफ़ी बच्चे शहर में, हर किसी के पास गाड़ी नहीं कि गाड़ी में बैठ करके वो यानी कांच बंद करके चला जाएगा, वहाँ पैदल चलते हुए शहर के बच्चे जाते हैं, उनको छोड़ने उनकी माएँ जाती, बुजुर्गें जाते कि यानी उनको बीमारी लग सकती। तो इसमें प्रशासन की पूरी तरीके से नाकामी है, पूरी तरीके से फेल है। जो सत्ता में लोग थे वो फेल है, क्योंकि उनका सपोर्ट है कहीं ना कहीं। अभी हमने जब यानी पता करा कि हमारे इतने लेटर्स के बाद क्यों हटा, तो हमको पता चला है, हमने उसके लिए भी लेटर डाला है कि हमको पता चला है कि कुछ स्थानीय नगर सेवकों ने उस कचरे विभाग के समर्थन में आने लेटर दिया है कि उनको डंपिंग नहीं जब तक उनको रहने दिया जाए। तो वो उनकी नाकारापना या उनका कुछ साजगाड़ होगा प्राइवेटाइजेशन में करके उन्होंने लेटर दिया। वो लेटर भी हम इंशाल्लाह ताला जल्दी हमने माहिती डाली कि हमको लेटर की प्रत दी जाए, हम पब्लिक के सामने लाएंगे कि कौन वो कचरे विभाग को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये दावे किए जा रहे हैं, मुमरा में काफ़ी विकास हुआ, चौतरफा विकास हुआ, और वो लोग मुमरा शहर की तुलना जो है शंघाई से करते, तो और क्या शंघाई के अंदर मतलब इस तरीके से मतलब शहर में शंघाई में कचरा मतलब रोड के ऊपर पड़ा रहता है? देखिए उनकी मानसिकता के ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, जो जिस सोच का आदमी रहता है उसको उसी सोच की बातें दिखती, उनके सोच में वही विकास है, ये हमारे लिए विकास नहीं, और शहर में कहीं भी विकास नहीं हुआ। मैंने आपको क्या कहा कि विकास जब होगा, जब इस शहर में यानी एजुकेशन स्तर पर कुछ होगा, यहाँ पर स्कूलें बढ़ेगी TMC की तरफ से, इस शहर में हेल्थ सेंटर्स यानी हॉस्पिटल्स बनेंगे, उसको विकास बोला जाएगा। ये विकास के नाम पर सिर्फ यानी एक्टिंग करना, इसको विकास नहीं बोला जाता, 4 धरना करना उसको विकास नहीं बोला। मित्तल के बाद जो कचरा पड़ा सेब है, आप और आपकी टीम पिछले काफ़ी दिनों से आवाज़ें उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी शासन प्रशासन ने आपकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया, और आज आप फिर एक बार यहाँ आए थे मतलब उसकी शिकायत को लेकर। मान लो अगर आपकी शिकायत को नहीं दिया जाता है तो आपका और आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए हमने अभी यानी अंदर भी क्लियर कहा है कि सर यानी आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, उनको हटाया, हमने कोर्ट से नोटिस दिया, कोर्ट से ऑलरेडी उसके लिए यानी वो TMC ने भी उसको नोटिस दिया, कचरा जो अभिषेक कंपनी है उसको नोटिस दिया है। अगर इसके बाद भी नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला हम रोड पर उतरेंगे। हम आप लोग के माध्यम से आवाम से भी कहना चाहते हैं कि हमारा साथ दीजिएगा, हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे उसके खिलाफ, और वहाँ से हटेंगे नहीं जब तक वो कचरा वहाँ से पूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो सैफ पठान जी यहाँ के सदर हैं, उन्होंने इस मसले में मुसलसल 2-2.5 साल से हम लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन यहाँ के कुछ सत्ताधारी का कट जो होगा इसके वजह से वो लोग नहीं हो रहा था, तो हमें जो मजबूरन हाई कोर्ट से नोटिस देना पड़ा, उस नोटिस का एक्शन जो है 19/7/2022 को सहायक आयुक्त ने नोटिस दिया है कि वो कचरा हटा लिया जाए। उस संबंध में हमने आज मुमरा पुलिस स्टेशन को एक निवेदन पत्र दिए हमारे सैफ पठान जी ने, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब कोई FIR होता है
उसके पहले उसको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये जगह किसकी है, तुम्हारी है क्या, या है म्युनिसिपैलिटी ने तुम्हें इसको लिखित दिया है क्या। अगर उसके पास म्युनिसिपैलिटी अगर कोई जवाब देती है कि म्युनिसिपैलिटी ने दिया है, तो ये हमारा लेटर है कि म्युनिसिपैलिटी ने लेटर दिया है। इससे जाहिर होता है कि म्युनिसिपैलिटी जो है उनको कोई जगह दी नहीं है। वो हमारे शहर में ये कचरा विभाग जो अभिषेक कंपनी है, ये हमारे शहर के साथ खेल खेल रहे हैं। इसमें सत्ताधारी के लोग भी मिले हुए हैं और उसी का ये नतीजा हमारे शहर को भुगतना पड़ रहा है। और मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने शैफ भाई के लेटर के ऊपर और उनके बात के ऊपर ने संज्ञान लिया है कि उनको हम एक दो दिन में बुलाएंगे और बुला के उनको नोटिस देंगे। हाँ, तत्काल नोटिस देंगे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो गलत है, ये ऐसा हमको आश्वासन दिया गया। हमारे बगल में जो शहर है रीवा शहर, अगर शहर की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी सालों से कचरे को डंप किया जा रहा था, लेकिन वहाँ के जो रहवासी है और वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों ने उस कचरा डंपिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो आज ये हालत ये है कि वहाँ से कचरे का डंप करना वहाँ पर बंद हो गया है। तो फिर ये जो मुमरा के अंदर ये जो कचरा डंप किया जा रहा है, मित्तल ग्राउंड के बाहर जो सरेआम रोड के ऊपर कचरा पड़ा हुआ, हालांकि वहाँ पे एक बस स्टॉप भी है जहाँ पे बस यात्रियों को काफ़ी परेशानियाँ होती है उस कचरे की वजह से, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं उस कचरे को हटाया जा रहा है? आप देख सकते हैं कि वहाँ पे यहाँ सत्ताधारी के लोगों ने वहाँ पे मेला लगाया है। क्या उनको पता नहीं है इस गंदगी से लोगों को कितनी बीमारियाँ होंगी? और वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे बस स्टॉप भी है, क्या इनको नहीं दिखता? या हमारे न्यूज़ के माध्यम से जो आप लोगों को प्रचारित करते हैं, उनको क्या पता नहीं है कि हमारे शहर में ये जो हो रहा है सब मिली भगत से हो रही है? इंशाल्लाह उसको हम सभी लोग मिलके और ये कचरा को ज़रूर हटाएंगे, और हटाने का पूरा क्रियाक्रम हो चुका है हाईकोर्ट से लेके और कमिश्नर तक। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कचरा हटेगा। आप तो कह रहे हैं कि मिली भगत से हो रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का तो कहना है कि इनके बोलने में अगर आप बोलेंगे कि ये आज जो है प्रशासन में रह के ढाई साल कुछ नहीं कर पाए, ये कचरा नहीं हटा पाए, तो आप ये क्या करेंगे साहब? ये तो बहुत वचन की बात है, तो उसमें हम तो टिप्पणी नहीं कर सकते, ज़्यादा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है, जनता को पता है ये लोग कौन क्या है। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग एक हफ्ते तक, अभी हमारे सदर साहब सैफ पठान साहब जावेद भाई इन्होंने अभी लेटर दिए, अगर इस पर कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो अगले हफ्ते जो है हम लोग वहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे, जैसा भी रहेगा फिर देखा जाएगा। देखिए, हमारी मांग ही वही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 270 के अंदर अगर कोई शहर में स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करता है तो उस पर FIR होना चाहिए, चाहे फिर वो TMC की तरफ से दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी हो। तो हम वो मांग कर रहे हैं कि आप अंडर आर्टिकल 270 के इन पर FIR लो, अगर होती तो ठीक, नहीं होती तो एक हफ्ते बाद, यानी हमारे को डेमोक्रेसी पूरा राइट है हमारा डेमोक्रेटिक, हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हम करेंगे।